सिंगरौली जिले के चिंतनगरी में प्रीमियर लीग का हुआ आगाज। सीधी और सिंगरौली के बीच खेला गया पहला मुकाबला। सिंगरौली जिले के चितरंगी में प्रीमियर लीग का हुआ आगाज। सीधी और सिंगरौली के बीच खेला गया पहला मुकाबला। बता दें कि स्वर्गीय पतिराज सिंह स्मृति हरहवा स्टेडियम में कैनवस बॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज। विधि विधान से मैच को प्रारंभ करते हुए अतिथियों का स्वागत करने के बाद पहले दिन उद्घाटन में सीधी और सिंगरौली के बीच खेला गया, जिसमें सिंगरौली की टीम 16 रनों से मैच जीतकर अगले मैच के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छोटे सरकार बहादुर, विशिष्ट अतिथि जनपद अध्यक्ष सिया दुलारी, जनपद उपाध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह, आयोजक पूर्व विधायक चितरंगी सरस्वती सिंह, थाना प्रभारी चितरंगी डीएन राज व शिवेंद्र सिंह, समाजसेवी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक चितरंगी सरपंच प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह चंदेल और उनकी पूरी टीम, चितरंगी कमेटी सहित समाजसेवी गढ़ जनप्रतिनिधि गढ़ सम्मानित क्षेत्र की जनता, हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। तालियां बजाकर नगद पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का हौसला भी अफजाई किया जाता रहा। जैसा कि गत वर्षों की भांत स्वर्गीय पतिराज सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट हरहवा स्टेडियम चितरंगी में आयोजित किया जाता है, उसी के अनुसार आज से यह क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और जिसमें आयोजक हमारी पूर्व विधायक श्रीमती सरस्वती सिंह जी हैं और संचालक सिद्धार्थ सिंह चंदेल और उनकी मित्र मंडली है और कमेटी के सारे लोग, इसमें सरपंच चितरंगी का भी प्रमुख सहयोग है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय छोटे सरकार दाऊ साहब थे, जिन्होंने उद्घाटन मैच प्रारंभ कराया है और साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय श्री ललाराम पांडे जी, आदरणीय पूर्व सांसद मानिक सिंह जी, आदरणीय लालता प्रसाद बैस जी और आदरणीय जनपद अध्यक्ष सिया दुलारी जी, सभी लोगों की उपस्थिति में आज का मैच देखने को मिला। बहुत ही आनंददायी मैच। प्रारंभिक मैच किसके किसके बीच खेला गया, क्या परिणाम रहा? मैच सिंगरौली और आरसीसी सीधी के बीच खेला गया। सिंगरौली ने पहले बैटिंग करते हुए 90 रन का लक्ष्य दिया सीधी को, लेकिन सीधी वालों ने मैच का आनंद तो बहुत अच्छा सीधी सिंगरौली का देखने को मिला, लेकिन आरसीसी सीधी 16 रनों से पीछे रह गई। और इसी तरीके से आप पूछ रहे थे कि फाइनल कब होगा, तो यह फाइनल मैच हमारा 23 या 24 को, जैसे ही एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, 23 या 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हमारे पधारेंगे और उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी और वरिष्ठ जन उपस्थित रहेंगे। चितरंगी के खेल प्रेमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है और प्रतिवर्ष इसीलिए यह आयोजन किया जाता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। जी, बहुत बहुत